17 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने गृह मंत्री बाला बच्चन को बर्खास्त करने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, विधायक नरोत्तम मिश्रा, रामेश्वर शर्मा सहित बीजेपी के विधायकों ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था की स्थिति संभाल पाने में नाकाम रहने के आरोप लगाए। हंगामे को देखते हुए विधानसभा 12 बजे तक स्थगित कर दी गई, लेकिन 12 बजे बैठक फिर चालू होते ही हंगामा बढ़ गया और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश सरकार, सीएम कमलनाथ और गृह मंत्री बाला बच्चन पर अपराधों पर लगाम लगा पाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। हंगामा करते हुए बीजेपी विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। ये सरकार मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने में लगी हुई है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। जनता के मुद्दों को सदन में भी उठाएंगे, सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे। आज बेटी बचाओ के मंच पे धरने का भी, यहाँ पे धरना भी आयोजित किया गया है। उस धरने में भी मैं पहुंचने वाला हूं, लेकिन इस जन विरोधी सरकार, बच्चों के विरोधी सरकार, ये तो बच्चों के दो दो साल के, चार चार साल के बच्चों की हत्याएं होती है। वैसे मामलों में भी जब उठाने की बात करते हैं तो मामले उठाने नहीं दिए जाते। सरकार का ये रवैया बर्दाश्त के बाहर है। हम सदन में भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे समय में शांति का टापू हो गया था मध्य प्रदेश, लेकिन आज जो बर्बादी की स्थिति में मध्य प्रदेश को ला के खड़ा कर दिया है 6-7 महीने में, ये पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा है, रो रहा है, क्रंदन कर रहा है, माँ बाप भयग्रस्त हैं। मैं सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूँ, गृह मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करता हूँ। एक मिनट भी अब उन्हें इस मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने का अधिकार नहीं है। यदि उनमें जरा सी भी लज्जा और शर्म बाकी हो तो सरकार को छोड़ के चले जाएं। बीजेपी आज हम शेष कार्रवाई करेंगे, बजट इत्यादि पे जो लोग उपयोगी चर्चाएं होंगी।